सभी किसान भाइयों ने मेरा राम राम। दोस्तों, इसमें दवाई दी थी मैंने कल की तारीख में, यानी 15 दिसंबर को इसमें मैंने दवा का छिड़काव किया था अपनी गेहूं की फसल में। तो आज मैं दोस्तों कल सुबह छिड़काव किया था मैंने, तो आज शाम को मैं आया हूँ। अभी 4:50 हुए हैं, तो अभी मैं खेत में देखने आया था कि दवा ने अपना काम किया है या नहीं किया है। तो मैंने कौन सी दवा छिड़की थी, कितनी ML मात्रा मिलाई थी, उसमें कितने लीटर की टंकी थी, कौन सी स्प्रे मशीन से छिड़काव किया था, तो आपको मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। और जिस मशीन से छिड़काव किया था मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो ये अभी इसमें फसल देखिए, इसमें कौन कौन सी खरपतवार है। एक तो है दोस्तों इसमें राई, और दोस्तों और ये देखिए, एक वो बोलते हैं बटरी बोलते हैं इसको, अकरी बटरी बोलते हैं आपके यहाँ जो भी बोला जाता है, ये है उसका पौधा। तो एक ये राई हो चुकी है, एक अकरी बटरी हो चुकी है, और कलेना होता है जो कलेना, तो उसकी मात्रा इसमें ज़्यादा थी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कलेना है, ये कलेना का पौधा है, ये कलेना देख सकते हैं। तो इसमें जो है मैं अभी वर्तमान में देख रहा हूँ, इसमें राई का पौधा देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिकुड़ गया है, दवा ने इस पर असर किया है। और ये दोस्तों जो अकरी बटरी है उस पर भी छिड़काव हो गया था, तो उसका भी मतलब डेथ हो चुकी है उसकी। और ये जो कलेना दिख रहे होंगे आप, ये थोड़ा कम कम दिख रहा है अभी, और मैं आगे अंदर जाके दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं राई, तो राई कलेना और अकरी बटरी मेरे खेतों में ज़्यादा है दोस्तों। तो इन्हीं में मैंने कल दवा का छिड़काव किया था, उसका नाम दवा का नाम था वीड क्लीन, वीड क्लीन के नाम से आती है दोस्तों। और आपको ये देख सकते हैं आप, और देख सकते हैं आप दोस्तों। तो मैंने सोचा एक जानकारी अपने किसान मित्रों को दूं, तो किसान मित्र को भी पता चले इस जानकारी का। तो दोस्तों मेरे खेत में ये सभी खरपतवार थे, राई कलेना बथुआ अकरी बटरी ये सभी। तो मैं अभी अपने खेत में बीच में खड़ा हूँ दोस्तों, ये खेत देख रहे होंगे आप इस साइड, ये देखो आप, मैं अभी बीच में खड़ा हूँ दोस्तों। तो जो अकरी बटरी वाली जो दवा थी उसमें, ये आपका मतलब उस दवा का मैं स्वयं आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ कि उस दवा से कौन कौन सी चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं। तो ये राई देख सकते हैं आप, और ये थोड़ा उसमें जो कलेना होता है, कलेना तो उसका थोड़ा प्रभाव अधिक देर में होगा दोस्तों, मतलब वो उसे मतलब उसकी जो डेथ होने में उसे समय लगेगा, क्योंकि वो इतना जल्दी असर नहीं करता है उस पर, तो वो मतलब लेकिन निपट जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो मैं आपको यही जानकारी दे रहा था दोस्तों, और भी मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ इसमें। ये देखिए दोस्तों, राई का पौधा है ये, दोस्तों तो मेरी फसल देख रहे होंगे आप दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फसल है, और इसमें अच्छे कल्ले उत्पन्न करेगी ये। और इसमें अब मैं एक काम और करूंगा दोस्तों, इसमें 1 एकड़ के करीब 2 से 2.5 किलो यूरिया खाद पानी में घोलकर दोस्तों, और इस पर छिड़काव करते हैं दवा, कैसा जैसा दवा का छिड़काव करते हैं इस पर इसका छिड़काव करते हैं, तो उससे क्या है जो खाद बिखेरने में यूज करते हैं ना, तो उससे ज़्यादा लाभदायक होता है छिड़काव करने वाला खाद। तो आप बिखेर कर भी खाद छिड़क दें उसमें खेत में, और जो दवा का छिड़काव से करेंगे आप, तो वो दवा का छिड़काव भी कर दें, और दवा के छिड़काव के बाद में आप, क्योंकि दवा से थोड़ा गेहूं पर भी असर पड़ता है फसल पर, तो आप उसमें 2 लीटर के करीब
एक एकड़ प्रति एकड़ के लिए दो दो ढाई लीटर के दो ढाई किलो जो यूरिया है उसका घोल बनाकर आप पानी का घोल केवल सादा सिंपल पानी मिलाएं आप उसमें और उसमें घोल बनाकर पानी में घोल कर और उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला ले जाएं कि मतलब आपकी वो कोई नुकसान नहीं करेगा दोस्तों, वो अपनी आपकी जो फसल है उसके लिए अच्छी ग्रोथ देगा और अच्छी उसकी मजबूत तना मजबूत करेगा, इससे कि जो आने वाले समय में मतलब जब फसल की ग्रोथ बढ़ती है तो वो ज़मीन में नीचे गिर जाती है दोस्तों, तो वो नीचे नहीं गिरने देगा, इससे आपका तना मजबूत होगा, अच्छी फसल की पैदावार होगी और अच्छी फसल होगी मतलब उत्पादन अधिक होगा। तो आप वही करें दोस्तों, तो दोस्तों मैंने उसी दवा का छिड़काव इसमें किया था और उस दवा का जो मैंने छिड़काव किया था दोस्तों वो 30 ml दवा लेने जाओगे आप तो उस दवा के साथ में एक आपको डिब्बी मिलेगी छोटी सी उसकी मात्रा लेने के लिए कि कितनी मात्रा में इस दवा का छिड़काव करना है हमको। तो मेरी दोस्तों 20 लीटर की टंकी थी दोस्तों, 18-20 लीटर की टंकी थी और 18-20 लीटर की टंकी थी मेरी, तो मैंने उसमें 30 ml मिलाया है दोस्तों। तो 30 ml में आप देख सकते हैं ये क्या हाल हो गया है, सभी जो खरपतवार है वो नष्ट हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।